सबसे पहले मैं इसमें आग लगाऊंगा, उसके बाद इसको मैं अपने हाथों से आग को बुझाऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इसके पूरा आग लग गया है, तो इसको मैं अपने हाथों से आग को बुझाऊंगा। आप लोग ठीक है, ये बुझ गया। उसके बाद क्या करना है, तुरंत ये जो रेगुलेटर है इसको बंद करना है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा इसमें कोई डरने वाली बात है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर ही आग लगेगा, यहाँ पर ही आग लगेगा ऐसे बात नहीं है, यहाँ पर भी आग लग सकता है, यहाँ पर भी आग लग सकता है, कहीं पर भी आग लग सकता है। तो उस आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे, मैंने जो एक स्टेप आप लोगों को दिखाया और दूसरा स्टेप दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग शायद ऐसे आग को नहीं बुझा सकते हो, और क्या पता आप उस टाइम रेगुलेटर के पास आप लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि उसमें शायद कुछ हो भी सकता है। तो आप कैसे इस आग को बुझाएंगे, ठीक है, मैं फिर से दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस आग को मैं कैसे बुझाऊंगा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो हाथ यहाँ तक नहीं आएगा, तो आप लोग ये कर सकते हो, इसको मतलब फोल्ड कर सकते हो, बैंड कर दीजिए, तो क्या होगा ये देखा मैंने बैंड कर दिया, देखा, तो ये बंद हो गया। तो डरने वाली कोई बात है इसमें, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका, उसके बाद मैं रेगुलेटर को बंद कर दिया। अभी मान लीजिए यहाँ पर आग लग गया, यहाँ पर ये पूरा आग जल के मतलब इसमें जल के ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ तक आ गया। इस आग को मैं कैसे बुझाऊंगा आप लोग देख सकते हो, ठीक है, पूरा प्रेशर में है, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों से इस रेगुलेटर के पास जाके इसमें बंद कर देना है, है ना, बिल्कुल आसान है ना। उसके बाद क्या करना, इस रेगुलेटर को बंद कर देना है। मैंने रेगुलेटर बंद कर दिया, ये हो गया तीसरा तरीका, ठीक है। आग जल रहा है पूरा, तो आप मतलब अपने हाथों से डर रहे हो, तो एक काम कर लो, अपने हाथ को एक कपड़े से लपेट लो, उस कपड़ा को पहले पानी में भिगो लो, उसके बाद क्या करना, हाथ को पूरा रैप करना, और रैप करके अगर आपको डर लगे तो इसके पास जाना, जाके इसको पूरा इसका जो जिस वजह से ये गैस निकल रहा है उसको बंद कर देना है, सिर्फ ऐसे ही। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, 1 2 3 देखा, आप लोग भी कर सकते हो, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्या करूंगा, इसका जो रेगुलेटर को जो है वो मैं बंद करने वाला हूँ, मैं बंद कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है मेरे पीछे, इन सब के बिना हम लोग इस सिलेंडर की आग को आसानी से बुझा सकते हैं, है कि नहीं। मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टेप था और बहुत कुछ है। अभी मैं बताऊंगा, आप सबके घर में बाल्टी है, ये जो बाल्टी है इसी के मदद से भी आप लोग एलपीजी सिलेंडर का जो भयानक जो आग है इसको भी आप लोग बुझा सकते हो आराम से। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, तो ठीक इसी के ऊपर ऊपर से इसको क्या करना है, थोड़ा सा जोर से इसको यहाँ पे मारना है ऐसे, 1 2 3 ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ आपसे। फ्रेंड्स आग लग गया है, मेरे पास एक्सटिंग्विशर भी नहीं है और कोई भी तरीका मुझे याद नहीं है, सिर्फ बाल्टी है मेरे पास। तो आप लोग देख सकते हो कि बाल्टी से मैं कैसे इस आग को बुझाने वाला हूँ। रेडी, 1 2 3 देखा, लेकिन मैंने रेगुलेटर बंद नहीं किया, गैस जा रहा है, ठीक है। अभी मैं रेगुलेटर बंद करने वाला हूँ। फ्रेंड्स फिर से आग लग गया है, मेरे पास बाल्टी नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक ब्लैंकेट है या फिर हम सब के घर में चादर है, बेडशीट है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस कंबल के माध्यम से इस आग को बुझाएंगे। 1 2 3 देखा, लेकिन मैंने रेगुलेटर बंद नहीं किया, अभी करने वाला हूँ, ठीक है, कर दिया, ओके। फ्रेंड्स इसमें घबराने वाली कोई बात है, आप मुझे बताइए, डर लगता है आप सभी को, आप लोग ये डरने की कोई बात नहीं, मैं आसानी से कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी ऐसा होना चाहिए, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसके हिसाब से होना चाहिए, इस सिलेंडर के हिसाब से होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा मतलब होना चाहिए, फिटिंग होना चाहिए, फिटेड होना चाहिए। अब मैं दिखाने वाला हूँ बेडशीट के माध्यम से आप लोग इस आग को कैसे बुझा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से आग लग गए हैं, अब मेरे पास ना कंबल है, ठीक है, ना ऐसा बकेट है, मान लीजिए ये सब कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ पानी है थोड़ा सा और ऐसा चादर है, ठीक है,
ठीक है, ऐसा एक वैक्सीन है। तो इसी के मदद से मैं कैसे इस आग को बुझाऊंगा आप लोग देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, पहले मैं इसको थोड़ा सा भिगाऊंगा, इसको थोड़ा सा निचोड़ूंगा। आग जल रहा है, जलने दीजिए, ये ब्लास्ट नहीं होगा। सिलेंडर जब सिलेंडर में जब ऐसे आग लगता है तो कभी ब्लास्ट नहीं होगा। हम लोग की ये गलत फहमी है कि जब सिलेंडर में आग लगता है तो हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, जब सिलेंडर से ऐसे मतलब गैस निकल रहा है और आग जल रहा है तो ये सिलेंडर कभी ब्लास्ट नहीं होता है। ब्लास्ट तब होता है जब ये सिलेंडर बंद हो और बाहर भी चारों तरफ मतलब हीट है ज्यादा। जैसे आप लोग पानी जब उबालते हो तो क्या होता है, पानी गर्म होके मतलब भाप जैसा होता है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे भी सिलेंडर पे भी जो गैस है एलपीजी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब भी इसके आसपास हीट होगा, हीट क्रिएट होगा तो क्या होगा, वो भाप का उत्पत्ति होगा, जिसके प्रेशर से क्या होगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये बंद हुआ और चारों तरफ क्या हो गया, हीट ही हीट है, आग लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्रेशर की मदद से ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं है, अगर ऐसा होता है तो दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। मैं तो दिखाई रहा हूँ आप सभी को, ये क्या ब्लास्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं इसको बंद करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं आप लोग देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। डरने की कोई बात है नहीं है ना, कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। इसके पास जाके अपना जो हाथ है, ये जो हाथ है अपने तरफ होना चाहिए, ये आप लोग देखिए, आप लोग देख सकते हो मेरा दो हाथ जो है अपने तरफ हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होने से क्या होगा, जब आप इसके पास जाओगे तो फ्लेम आपका जो ये हाथ जला देगा। तो आपको करना क्या होगा, ऐसे करना होगा, ठीक है, ऐसे अपने तरफ, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, फिर से मैं कर रहा हूं, वेरी 1 2 3 बंद हो गया। अभी मैं रेगुलेटर को बंद करने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे कोई मतलब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई मुझे मेरे बॉडी में आग लग गया नहीं लगा, इजी है ना। ओके, अभी मैं इसको बंद करने वाला हूं। अभी मान लीजिए यहाँ पे आग लग रहा है, ठीक है। ऐसे बेडशीट को आप लोगों ने भिगो लिया। सबसे पहले करना क्या है, इसके पास जाना है, अपने लेफ्ट हैंड से इसको क्या करना है, इसको ऐसे ढक लेना है, ऐसे मैंने ढक दिया इसको, उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे 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 करके मार देना है ताकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो काट ऑफ हो जाए। फिर से एक बार दिखाऊंगा, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये पूरा एरिया ढक जाए, ठीक है। जैसे आप लोग फिर से आप लोग देखिए, मैं गया पास में जाके इसको पहले मैंने ढक दिया, ठीक है। उसके बाद बुझाएगा। मैं फिर से आपको लोगों को स्लो में दिखाऊंगा, ठीक है, आग जलते हुए। हो गया, अभी बंद करना है इसको। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, अगर सिलेंडर में आग लगे तो उस समय आपको पानी डालना सही है या नहीं, मैं आप सभी को अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। इस फायर में मैं पानी डालूंगा, ये आग बुझता है या नहीं आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसको कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसको सिर्फ आप लोग हाथों से ही कर देंगे, ठीक है। हाथों से आप लोग कर सकते हो, इसमें आग लगने वाला है, हम लोग देखेंगे। इसमें पानी डालूंगा तो पानी से ये काम होता है या नहीं आप लोग देखिए, ये आग लग गया है, ठीक है। तो मैं इसमें पानी डालूंगा, क्या बुझ गया, आग बुझा है फ्रेंड्स। ये पानी से ये कभी नहीं बुझेगा, तो जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को डर लगे तो हाथ को रैप करिएगा, ठीक है, कपड़े से, वो भी गीला हुआ कपड़े से, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, हो सके तो आप इस रेगुलेटर को बंद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। मान लीजिए रेगुलेटर का जो प्रेशर नॉब है वो जल गया है, तो आपको क्या करना है, अभी इसको आपको बुझाना होगा, ठीक है। इजी है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में आप लोगों ने नया कुछ सीखा मुझे लगता है,
तो आज का जो ये हम लोगों ने जो ये वीडियो बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए ही, क्योंकि आजकल हर जगह में हर दिन ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट होते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है कि उस टाइम हमें क्या करना है।